शत्रुओं को दमन करना ही पड़ता है, तब जाकर अपने आत्मज्ञान का पहचान हो पाता है। बोलो। साथी है मित्र गंग के त्रिग बिंदु पान तक, पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के लोग बढ़ेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। और इससे आगे क्या जाता है साथ में, इससे तो आगे आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा, ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा, ये मन मुसाफिर।
से सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है। खटवांग नामक राजा ने तो मुहूर्त में ही अपने जीवन बना लिया था, इसीलिए घबराओ नहीं। प्राणियों जो भोग में अपने जीवन को व्यतीत करते हो, जो धनार्जन में ही केवल अपने जीवन को व्यतीत करते हो, उनके लिए समय कम है। लेकिन जो भगवत भजन करके जीवन व्यतीत करते हो, उनके लिए समय ही समय है, क्योंकि प्रत्येक क्षण उनके है, वो सदैव उनके ही हैं और भगवत अनुसंधान के लिए है। इसीलिए राजन घबराओ नहीं। निद्रयार्हियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणे। अरे जिस पुत्र के लिए तुम मर रहे हो, जिस संबंधियों के लिए मर रहे हो, ये सब एक फॉर्मेलिटी तक तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन यहां से वहां तुम्हें अकेले ही यात्रा करना है। यहां तुम्हारे साथ चाहे लाखों लोग क्यों न हो, लेकिन मरने के बाद तो अकेले ही जाना पड़ता है। कोई ऐसा सहयोगी मिले जो यहां पर भी साथ में रहे और वहां पर भी साथ में रहे, कोई मिलता है? हो यहां तो खूब भीड़ आ जाती है, यहां तो बहुत सहयोगी मिल जाते हैं, यहां तो एक नहीं 10 बुलाओ 10 आते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी तो मिले जो यहां पर भी हो और वहां पर भी, तो मिल सकता है? और ये मिलेगा कैसे? बोले एक ही तत्व से, शास्त्र के ज्ञान से आप उस परमात्मा को अपना बना लोगे कि यहां पर भी आपके साथ हैं और वहां पर भी आपके साथ हैं। इसीलिए जीवन जीने के लिए बस एक ही साधन है। हमारे वैकुंठवासी श्री राजेश्वरानंद जी कहते भजन ही है, भजन के सिवाय और दूसरा कुछ नहीं है। और ये धन महाराज कभी डर, ये धन और ये पद न जाने का डर रहता है और न चोरी होने का डर रहता है। संसार के सारे पद लिमिट समय तक है, आप जब प्रभाव में हैं तो पद है, पद चला गया तो प्रभाव भी चला जाता है। पर हमारे परमात्मा का ऐसा प्रभाव है कि वह प्रभाव यहां पर भी रहता है और उसी प्रभाव के प्रकाश में हम वहां तक चले जाते हैं। इसीलिए भजन करो राजन, 7 दिन समय है, घबराने की बात नहीं है। बोले प्रभु मृत्यु आने वाली है, बोले अंत काल में जब मृत्यु आवे तो घबराओ नहीं। अंत काले तु पुरुष आगते गत साध्वस छिंदा दस संग सस्त्रेण स्पृहां देहेन ये चतम। मृत्यु आवे तो घबराना नहीं चाहिए, पर मृत्यु का डर होना चाहिए।